झारखंड के रामगढ़ जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जहां ट्रेन में एक नन्ही बच्ची की किलकारी गूंजी। जी हां, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस में एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये ट्रेन नई दिल्ली से रांची जा रही थी। महिला अपने पति के साथ शिमला से अपने गाँव कुमला वापस आ रही थी। उसी बीच टोरी स्टेशन से गुजरने के बाद महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसकी जानकारी उसने अपने पति और पास की महिला पैसेंजर को दी। ट्रेन के बड़काकाना स्टेशन पहुंचने के बाद यह जानकारी स्टेशन प्रबंधन को मिलते ही उन्होंने तत्काल इसकी सूचना रेलवे अस्पताल को दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर महिला रोग विशेषज्ञ दीप्ति झा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँची और ट्रेन में ही महिला की डिलीवरी कराई गयी। और इस डिलीवरी में एक स्वस्थ बच्चे को इस महिला ने जन्म दिया। डॉक्टरों की जांच में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए, जिसके बाद दोनों को घर भेज दिया गया। इस दौरान ट्रेन लगभग 45 मिनट स्टेशन पे खड़ी रही। कई दफा ऐसा हुआ है कि पेशेंट लोग आया है, किसी कुंडी का बीमारी या कुछ भी, हम लोग तुरंत पहुंच के वहां पे जो भी फर्स्ट एड होता है, जितना हम लोग से होता है, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। तो इसको एज अ फैमिली हम लोग यहाँ है कि कुछ भी अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वी एज अ टीम हम लोग पूरा यहाँ पे बढ़ता खाना है, हम लोग जाके पूरा जितना हम लोग से हो सकता है हम लोग। न्यूजीलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है